फिर हुआ सनसनीखेज खुलासा, अर्णब गोस्वामी दोबारा से जा सकते हैं जेल। पहले 7 दिन के लिए गए थे जेल, अब हो सकती है लंबी सजा। नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़24 पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घोटाले पे घोटाले कर रहा था अर्णब गोस्वामी। पूछता है भारत जो शो चलाता है, आपको पता है घोटाले पे घोटाले किए जा रहा था। टीआरपी घोटाला जो स्कैम था उसका पर्दाफाश हो चुका है। लोग बागों ने बिल्कुल गालियां गलौज देना स्टार्ट कर दिया है अर्णब गोस्वामी से। खास तौर पे मुंबई पुलिस है, उन्होंने एक जो वीडियो है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है वो साझा किया है, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और आपको फोटो भी दिखाने वाले हैं जो स्क्रीन शॉट हैं, जो शेयर किए हैं, किन्होंने शेयर किए हैं, जो ट्विटर यूज़र हैं उन्होंने बहुत सारे फोटो शेयर किए हैं। और उनमें ये बताया है कि जो पार्थव दास गुप्ता है, जो कि बार्क के पूर्व CEO हैं, और अर्णब गोस्वामी, दोनों के बीच में बहुत सारी चैट हुई व्हाट्सएप पर, जो कि लगभग 512 पेज की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट हैं। और दोस्तों, जो पार्थव दास गुप्ता है, इनका कहना था कि मुझे आप PMO में पद दिलवा दीजिए। किसका? मीडिया सलाहकार का, मुझे पद दिलवा दीजिए PMO में। मगर जो अर्णब गोस्वामी हैं, उन्होंने भी कह दिया व्हाट्सएप पे चैट करते हुए पार्थव दास गुप्ता से कि हम आपको दिलवा देंगे, मगर आपको हमारा एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा? हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाना होगा, TRP के मामले में सबसे नंबर 1 बनाना होगा। उन्होंने एग्री कर दिया पार्थव दास गुप्ता ने, और ऐसा ही हुआ। और दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2020 में TRP के मामले में आज तक कोई पछाड़ने के बाद रिपब्लिक भारत नंबर 1 बन चुका था। मगर दोस्तों, कुछ दिन बाद क्या हुआ, इनका घोटाले सामने आया, इनका घोटाला पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने इनको 7 दिन के लिए जेल भेजा, मगर फिर रिहा हो गया। मगर दोस्तों, फिर दोबारा से मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है। कैसे जकड़ा है? 512 पेज का जो चिट्ठा है, खुला चिट्ठा, वो वायरल हो रहा है, बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। और इनकी अब फजीहत हो चुकी है, और इनको अपने चैनल पे तो बताने से रहे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मगर दोस्तों, जो दूसरे चैनल हैं, जो दूसरे न्यूज़ चैनल हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल हैं, वो भी इसको नहीं बता रहे हैं। आपको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका दूसरा चैनल है, जो आपका दूसरा साथी है रिपब्लिक भारत, वो ऐसी गलती कर रहा है और आपको छुपा रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको उसे उजागर करना ही होगा, और उजागर करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती जिसका दोस्तों आप समझ सकते हो PMO तक पहुंचो, और वो ये कह रहा हो कि रजत शर्मा तो कुछ भी नहीं है, रजत शर्मा की तो एंट्री नहीं हो सकती PMO में, मेरी एंट्री है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, IB के मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल यूजलेस हैं। प्रकाश जावड़ेकर को यूजलेस बताया है अर्णब गोस्वामी ने। अपने आप को इतना ताकतवर मान लिया कि जो हूं मैं हूं और कुछ भी कोई नहीं है। मगर दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलने वाला है, इनको जेल होने वाली है। आपको देख सकते हो आप खुद व्हाट्सएप के जो स्क्रीन शॉट हैं, उनमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है, इस देश में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, एक तरफ आपको पता है रिपब्लिक भारत ने सुशांत सिंह की मौत के बाद बहुत लंबा मुद्दा चलाया था 2 महीने TRP के चक्कर में। कैसा मुद्दा? रिया चक्रवर्ती के ऊपर। जब देखो, जब रिया चक्रवर्ती को लेके आते थे अपने TV पर, उनके जो स्क्रीनशॉट हैं चैट के, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के, खूब चलाया इनके स्क्रीनशॉट को। मगर दोस्तों, अब तुम्हारे स्क्रीनशॉट कौन चलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतने था। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए UTV News 24।